it's a very interesting question, my dear friend. so if you want, you may put a star on this question. question 56, you may put a star. maximum production capacity of jk limited is 5 lakh 20,000 units per annum. this is maximum capacity, 5 lakh 20,000 per annum. means 100% capacity is 5 lakh units. details of estimated cost of production are direct material, 15 per unit. <clears throat> direct wages, rupees 9 per unit, subject to minimum 2 lakh 50,000 per month. fixed overheads, rupees 9 lakh 60,000 per annum. variable overheads, rupees 8 per unit. now, semi-variable overheads. semi-variable overheads are rupees 5 lakh 60,000 per annum. टू फिफ्टी परसेंट कैपैसिटी मीन्स अप टू फिफ्टी परसेंट कैपैसिटी इट इज फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड पर एनम एंड एडिशनल एडिशनल वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर एनम फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज इन कैपैसिटी और अ पार्ट ऑफ इट यह सेंटेंस को इंटरप्रिट करना पड़ेगा इसका मतलब है सेमी वेरिएबल ओवरेज है, वो 5 है 50 25 in और 25 हो या उसका कोई हिस्सा हो पार्ट ऑफ इट पांच परसेंट इंक्रीज हो दस परसेंट हो पंद्रह परसेंट हो अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज तक

फिर परसेंट से 75 परसेंट नेक्स्ट 25 परसेंट कैपेसिटी तक वो एक लाख पचास हजार से और बढ़ जाएगा और फिर <coughs> 75 परसेंट से अगले 100 परसेंट तक नेक्स्ट कैपेसिटी पे और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बढ़ जाएगा दैट इज मीनिंग स्टेप लैडर कॉस्ट एक बार पढ़ी थी हमने क्वेश्चन है जेके लिमिटेड वर्क एट सिक्सटी कैपेसिटी फॉर फर्स्ट थ्री मंथस ड्यूरिंग दर टू बट इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क नाइनटी परसेंट कैपेसिटी फॉर रिमेनिंग नाइन मंथस पहले तीन महीने सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी अगले नौ महीने नाइंटी परसेंट कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज रुपीज फोर्टी फोर ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री मंथस पहले तीन महीने की सेलिंग प्राइस दी है फोर्टी फोर रुपीज कैलक्यूलेट वॉट सेलिंग प्राइस पर यूनिट should be fixed what selling price per unit should be fixed for remaining 9 months for remaining 9 months to yield a total profit of 15 lakh 62500 for the whole year आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है फॉर रिमेनिंग नाइन मंथ्स। अब एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे क्वेश्चन को स्टार लगाए ने थोड़ा सा ट्रिकी है एक बार और पढ़ो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ उसका अप्रोच Just go through it carefully once again. गॉन थ्रू माइ डियर फ्रेंड्स डेटा याद नहीं रखना है अब इसका अप्रोच ध्यान में रखो हम क्या अप्रोच लेंगे परसेंट कैपेसिटी यूज हो रही है तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे थ्री मंथस की नाइन मंथस की कॉस्ट अलग आएगी क्योंकि उसमें नाइनटी परसेंट कैपेसिटी यूज हो रही है तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा एक थ्री मंथस एक नाइन मंथस और हम थ्री मंथ्स के लिए सभी कॉस्ट लेंगे वेरिएबल फिक्स और सेमी वेरिएबल सभी कॉस्ट लेंगे नाइन मंथ्स के लिए भी सभी लेंगे वेरिएबल सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड एक बार वेरिए मंथ्स और नाइन मंथ्स की कॉस्ट आ गई इंटरप्रेट और करेंगे हम पढ़ते समय और डिस्कस करूंगा डोंट वरी एक बार वो दोनों कॉस्ट आ गई तो दोनों की टोटल विल बी एनुअल कॉस्ट आप सिर्फ अप्रोच समझो क्या करना है एक साल की कॉस्ट आएगी अब आपको लास्ट लाइन में प्रॉफिट दिया है फिफ्टीन लैक्सटी टू थाउजेंड फाइव फॉर द होल ईयर टोटल कॉस्ट में तो प्रॉफिट कर देंगे अब तीन महीने का सेल्स कैसे मिलेगा फोर्टी फोर पर यूनिट दिया है ना आपको फोर्टी फोर पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे हम आपको फुल कैपेसिटी हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी दी है ना उससे हम पहले तीन महीने की कैपेसिटी का प्रोडक्शन निकाल लेंगे तो वो क्वान्टिटी इन टू फोर्टी फोर रुपीज तो तीन महीने का सेल मिल गया आपको? सेल्स टोटलिंग से जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी क्या टू बी फिक्स फॉर रिमेनिंग नाइन मंथ्स मैं लास्ट लाइन की बात कर रहा हूं लास्ट लाइन में क्या पूछा आपसे कैलकुलेट वॉट सेलिंग प्राइस शुड बी फिक्स एक बार और तीन महीने की नौ महीने की कॉस्ट निकालेंगे एड करेंगे टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर प्रॉफिट एड करेंगे फॉर द ईयर टोटल सेल्स फॉर द ईयर मिलेगा टोटल सेल्स में से पहले तीन महीने का सेल हटा देंगे क्योंकि पहले तीन महीने की सेलिंग प्राइस दी है तो आपको बचे हुए नाइन महीने का नाइन मंथ्स का सेल मिल जाएगा उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर निट आ जाएगी बस कुछ जगह पर इंटरप्रिटेशन करना है वहां पर मैं आपको सही समय पे ले जाऊंगा अब मैं आपको आंसर पे ले चलता हूं पहले बस इतना ध्यान रखना मैक्सिमम प्रोडक्शन इज हाउ मच फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर एडम इससे मैं क्वांटिटी निकालूंगा एक साल की क्वांटिटी है फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर एडम अब आंसर पे चलते लिखना चालू करो क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स बाय सेवेंटी फाइव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स बाय सेवेंटी फाइव और आप क्रॉस रेफरेंस देते हो क्वेश्चन का रेफरेंस आंसर के पास और आंसर का पेज नंबर क्वेश्चन के पास इधर उधर प्रिंटेड नोट्स का आंसर नोटबुक में नोटबुक का रेफरेंस प्रिंटेड नोट्स में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स फॉर थ्री मंथ्स फर्स्ट थ्री मंथ्स एंड नेक्स्ट नाइन मंथ्स इसमें जगह ज्यादा रखना किसमें कैलकुलेशन <coughs> के लिए इधर इधर कैलकुलेशन दिखाने वाले तो कीप मैक्सिम स्पेस पर्टिकुलर्स में कम जगह रखी तो भी चलेगा